इस लेक्चर में हम सुंदरबन के बारे में पढ़ेंगे। सुंदरबन रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था वो भी देखेंगे, किस लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। सुंदरबन पहले आप लोकेशन देखो, ये अपना हिंदुस्तान है जी, ये बांग्लादेश है, इसके यहाँ पे ये डेल्टा है गंगा का और ब्रह्मपुत्र का, जो डेल्टा बनता है। डेल्टा का मतलब है जी, रिवर जब आती है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं, कुछ और भागों में बट जाती है। जैसे आप देख रहे हो ना, ये रिवर है गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे मिलती है, और मेघना रिवर बांग्लादेश की, तो यहाँ पे आके ऐसे बढ़ जाती है। किस वजह से? क्योंकि इस पे लोड ज़्यादा हो जाता है, डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें रिवर्स में, उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है और ये एक डेल्टा का शेप बना लेती है। जैसे मैथ में डेल्टा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसी शेप बनाती है, उसे बोलते हैं जी डेल्टा। यहाँ दलदल टाइप होता है जी, थोड़ा मार्सी लैंड होता है, तो यहाँ पे सुंदरबन बना हुआ है जी। सुंदरबन तो ये सुंदरबन के एक जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, जो बांग्लादेश और इंडिया दोनों में है, बांग्लादेश और इंडिया दोनों में है, देख रहे हो आप। और तो इसलिए ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए जी क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कह रही हैं सुंदरबन को डेवलपमेंट करने के लिए हमारा योगदान ज़्यादा है, हमारा योगदान ज़्यादा है, सब ऐसा क्लेम कर रहे हैं, इसलिए न्यूज़ में है। दूसरा, 2020 में यहाँ पे एक साइक्लोन आया था जी, चक्रवात साइक्लोन अम्फान नाम से, तो इसलिए भी बहुत ये 1 महीने तक न्यूज़ में रहा था सुंदरबन। तो ये अम्फान जब आया था यहाँ पे, बैडली डैमेज हो गया था, बहुत सारा नुकसान हुआ था जी, वेस्ट बंगाल में भी सुंदरबन में भी बहुत सारे पेड़ वगैरह उखड़ गए थे, बहुत सारा नुकसान हुआ था, तो इस वजह से भी न्यूज़ में था। तो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी, इसके बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए आपको। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है जी, जो कोस्टल रीजन में, बे ऑफ बंगाल में, आपने देखा अभी मैप में हमने देखा, और ये इंडिया और बांग्लादेश में फैला हुआ है जी। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के डेल्टा पे लोकेटेड है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है जी। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये सुंदरबन एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं जी? मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो ऐसे वहाँ पे पेड़ होते हैं, मतलब ट्री वगैरह होते हैं, जो आधे पानी में डूबे होते हैं, वाटर में, तो वाटर सिचुएटेड कंडीशन में जो पेड़ वगैरह होते हैं उन्हें बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। सारी डिटेल पढ़ेंगे जी हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में भी इस लेक्चर में ही, तो बस इतना मोटा मोटा से जान लो आप। ये पूरे वर्ल्ड का पूरे सबसे बड़ा ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सुंदरबन की बात हो रही है जी। इसका जो एरिया है जी, स्टेटस है फॉरेस्ट रिजर्व का, इसे स्टेटस मिल चुका है, और सुंदरबन टाइगर रिजर्व इसे 1973 में इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था सुंदरबन को, जो फॉरेस्ट है, जंगल है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, और सुंदरबन नेशनल पार्क भी डिक्लेयर कर दिया था इसे, कब? 1984 में, और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे दिया 1987 में। यूनेस्को देता है जी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस, और अभी इंडिया में कितनी साइट है जी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है। नेक्स्ट जी, इसमें क्या है, इसे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया यूनेस्को ने 2001 में। बायोस्फीयर रिजर्व है जी, इंटरनेशनली जो इम्पोर्टेंस होता है जी बायोस्फीयर रिजर्व, उसको यूनेस्को डिक्लेयर कर देती है किसी फॉरेस्ट एरिया को, तो सुंदरबन को भी डिक्लेयर कर दिया है। अभी बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कितने हमारे कंट्री में, वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और जो यूनेस्को ने इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस के बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए हैं वो 18 नहीं है, वो 12 हैं जी। हमने पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा था जी, पन्ना जो नेशनल पार्क है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को अभी डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने, 12th नंबर का जो है जी। तो ये 2001 में सुंदरबन को रिजर्व किया था, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने। सुंदरबन को वेटलैंड भी डिक्लेयर किया हुआ जी। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, ऐसी लैंड होती है जो आधी पानी में डूबी होती है, उसमें पेड़ पौधे भी होते हैं, और ऐसी लैंड को बोलते हैं वेटलैंड, आर्द्र भूमि। तो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एक प्रोग्राम है जी रामसार कन्वेंशन का, ये 2019 में, जनवरी 2019 में सुंदरबन वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया जी इसे, रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अब रामसार कन्वेंशन क्या है जी? ये रामसार कन्वेंशन एक मीटिंग हुई थी जी, कहाँ पे? ईरान में। ईरान में जगह है रामसार, रामसार जगह पे के नाम पे ही इसका नाम रख दिया रामसार कन्वेंशन। तो मीटिंग हुई थी रामसार पे, कब हुई थी? 1971 में। किस लिए हुई थी? कि वेटलैंड को बचाया जा सके पूरे वर्ल्ड वाइड, जो आर्द्र भूमि आ जी उनको बचाया जा सके। क्यों? क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस होती है जी, ये फ्लड वगैरह को रोकने में, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, और सारे फूड रिसोर्सेज वगैरह में, मेडिसिन की प्लांट वगैरह सब कुछ मिलता है इनमें, तो इनको बचाने के लिए वर्ल्ड वाइड भी ये मीटिंग हुई रामसार में, जो कहाँ पे है? ईरान में, 1971 में, कि वेटलैंड को बचाया जाए। तो इसमें जी पूर जो इम्पोर्टेंस लैंड होती है उसको वेटलैंड डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि उसका प्रिजर्वेशन कराया जा सके, कंजर्व किया जा सके उसे वर्ल्ड वाइड, तो इसलिए डिक्लेयर कर देते हैं। अभी इंडिया की कितनी साइट है जी? इंडिया में रामसार जो साइट है रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, इंडिया में रामसार साइट है जी 42, और लेटेस्ट कौन सी थी? लद्दाख में हुई थी जी, हमने
करंट अफेयर में पढ़ा भी था जी, लद्दाख में है। कौन सी? सोकर लेक है जी, सोकर लेक कॉम्प्लेक्स, सोकर TSOKAR और लेक मतलब झील, कॉम्प्लेक्स वहाँ पे एरिया जी, लेक के अराउंड सारा सोकर लेक कॉम्प्लेक्स डिक्लेयर कर दिया जी। 42nd साइट है इंडिया की, इंडिया की ये 42वीं, मतलब टोटल अभी 42 हैं। और इसका एक और रजिस्टर होता है जी, उसे बोलते हैं मॉन्ट्रो रिकॉर्ड, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड, ये स्पेलिंग है जी MONTREUX, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। इसका एक रजिस्टर है जी, रजिस्टर है जिसमें ऐसी वेटलैंड को, ऐसी साइट को या वेटलैंड को डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब इसमें वो डालते हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है कि अगर उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, तो वो क्या है, बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है वो साइट, कोई भी जगह। साइट का मतलब है जी कोई भी जगह ख़त्म हो सकती है, कोई भी प्लेस, तो उसको मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में डाल सकते हैं। तो रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इंडिया में 3 साइट को डाला गया जी स्टार्टिंग में मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में। कौन कौन सी? केवला देव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। नेक्स्ट है जी लोकतक लेक, ये है मणिपुर में जी, मणिपुर में, ये है राजस्थान में केवला देव। और एक है जी चिल्का लेक, चिल्का झील, ये कहाँ पे है जी चिल्का लेक? ये उड़ीसा में जी, कई बार पढ़ा हमने। लार्जेस्ट इंडिया में खारे पानी के लेक है जी सॉल्ट वाटर लेक, चिल्का लेक। लेकिन बाद में चिल्का लेक क्या जी, उसका इम्प्रूवमेंट हो गया इसमें और ये हटा दी गई मॉन्ट्रो रिकॉर्ड से। तो अभी इंडिया की कौन सी 2 साइट है मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में? सिर्फ केवला देव और लोकतक लेक मणिपुर की। केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान का और लोकतक लेक मणिपुर की, ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में है जी। तो ये तो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अब सुंदरबन नेशनल पार्क है जी, उसमें बहुत सारे फौना फ्लोरा मिलते हैं जी। फौना का मतलब है एनिमल्स वगैरह, बर्ड वगैरह, और फ्लोरा का मतलब प्लांट ट्रीज मिलते हैं इसमें बहुत सारे। और यहाँ पे जो स्पीसीज मिलते हैं जी, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, एस्चुराइन क्रोकोडाइल मिलता है जी, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, इसे सॉल्ट वाटर मगरमच्छ भी बोलते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, खारे पानी का मगरमच्छ। रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है जी, मॉनिटर लिजार्ड मिलती है, वाटर मॉनिटर लिजार्ड। गैंगेटिक डॉल्फिन मिलती है जी, ओलाइव रिडले टर्टल मिलता है, टर्टल मतलब कछुआ जी, एक ओलाइव रिडले टर्टल या ओलिव रिडले टर्टल। ये देखो जी, ये सारे जानवर देख सकते हो आप। ये जी एस्चुराइन क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी बोलते हैं, ये खारे पानी का मच्छर, मगरमच्छ, मच्छर नहीं जी मगरमच्छ। और ये जी आपका वाटर मॉनिटर लिजार्ड, ये लिजार्ड है जी, मॉनिटर लिजार्ड। और ये जी गंगेटिक डॉल्फिन, ये हमारा इंडिया का एक्वाटिक एनिमल है जी, मतलब पानी का, पानी में मिलने वाला राष्ट्रीय पशु। हमारा राष्ट्रीय पानी वाल का पशु कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन, ये दिखाई दे रही है आपको। ये जी रॉयल बंगाल टाइगर, और ये जी ओलिव रिडले टर्टल, मतलब ये कछुआ जी, ओलिव रिडले टर्टल, ये उड़ीसा के कोस्टों में बहुत मिलता है जी सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे भी पाए जाते हैं जी। अब सुंदरबन डेल्टा जी इज़ दी ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाई टाइगर। सुंदरबन जो डेल्टा है जी, ये केवल इकलौता पूरे वर्ल्ड में मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पे टाइगर मिलते हैं, वरना दुनिया के किसी भी मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या है, टाइगर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इस जो सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ पे टाइगर मिलते हैं जी, अभी हमने देखा भी। इसको कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड वाइड फंड ने मिलकर एक प्रोग्राम चलाया जी, वेस्ट बंगाल के साथ मिलकर, ताकि सुंदरबन में क्या है, ये फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व किया जाए और यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर इसको प्रिजर्व किया जाए। अब ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं जी। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं सुंदरबन फॉरेस्ट में, ये होते हैं जी मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखो इनकी जड़ें आधी पानी में डूबे होते हैं, पानी पे ये पेड़ होते हैं, इनको बोलते हैं मैंग्रोव ट्री या मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये इंटरटाइडल जोन में है जी मैंग्रोव्स, जो सुंदरबन में, इंटरटाइडल जोन का मतलब है जी यहाँ पे टाइडल टाइड आते रहते हैं जी, टाइड टाइड जानते हो ना, ज्वार भाटा। टाइड क्या होता है? जो समुद्र का पानी का उतार चढ़ाव होता है ना, उसी को टाइड बोलते हैं, ज्वार भाटा। जैसे ये कोस्टल एरिया जी, यहाँ पे समुद्र का पानी है ओशन का, ये बढ़ेगा, हाइट आएगा, फिर घट जाएगा, चला जाएगा। इसी समुद्र के पानी को घटने और बढ़ने को ही क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा या टाइड, इंग्लिश में टाइड। तो ये जहाँ तक आता है, ये एक बार हाई होता है पानी का लेवल यहाँ, और फिर लो हो जाता है। तो ये बीच का एरिया है ना, जो इंटरटाइडल जोन बोलते हैं इसे, इंटरटाइडल जोन, हाई और लो टाइड के बीच में इंटरटाइडल जोन। तो यहाँ पे ये लोकेटेड है जी मैंग्रोव फॉरेस्ट, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के कोस्टल एरियाज़ में ही मिलते हैं जी। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल आपको पता ही होगा जी, बहुत बार बता चुका हूँ, ये अर्थ है जी हमारी, और अर्थ की ये भूमध्य रेखा जी, इक्वेटर बोलते हैं जिसे, इक्वेटर 0 डिग्री, और यहाँ पे 23.5 नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन में, उत्तर और दक्षिण दोनों डायरेक्शन में 23.5 डिग्री पे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं जी, कर्क रेखा हिंदी में बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में जी, 23 साढ़े 23 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री
साउथ में 23.5 डिग्री, साउथ में इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इंग्लिश में कैप्रिकॉन, और हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, इसे कर्क और इक्के से मकर, इन दोनों के बीच में होता है जी ये एरिया जो होता है, इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, और इनके साइड में लगभग 35 डिग्री तक, 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, 35 डिग्री नॉर्थ साउथ में, इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। तो जो यहाँ पे एरिया पड़ता है जी अर्थ पे, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं जी। मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जी, जैसे वुडी ट्रीज ये प्रोडक्शन करते हैं जी, दूसरा प्रोविजन ऑफ हैबिटेट, फूड वगैरह भी मिलता है जी इससे, यहाँ से ये अच्छा स्पॉनिंग ग्राउंड है जी फिश के लिए, फिन फिश, सेल फिश वगैरह के लिए, यहाँ पे बर्ड के लिए हैबिटेट है जी, दूसरे फौना मिलते हैं जी यहाँ पे एनिमल्स वगैरह, कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करता है जी, सेडिमेंट वगैरह को एक्रीशन करता है, कोस्ट लाइन को कैसे ये प्रोटेक्ट करता है जी, जैसे ये कोस्ट लाइन है जी, अगर मान लो कोई बाढ़ वगैरह आएगी, सुनामी आएगी और पानी का लेवल बढ़ जाएगा, फ्लड आएगी, तो क्या है जी इसकी ट्री वगैरह बाढ़ को रोक लेती हैं, जो यहाँ पे जो भी मान लो कम्युनिटी बसी हुई है, कोई भी लोग रहते हैं, तो वहाँ तक इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा ये क्या है जी, बहुत सारे और मेडिसिनल प्लांट वगैरह भी इनमें मिलते हैं जी, और दूसरा क्या है जी, ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट के साथ मिलके सारी को मिला के वेस्ट बंगाल में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, हमारे इंडिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है मैंग्रोव फॉरेस्ट, इन वेस्ट बंगाल में, उसके बाद गुजरात में, और फिर अंडमान निकोबार में, तो ये भी आपको याद रखना सबसे ज़्यादा किस में है, टॉप 3 याद रखना है, टॉप 3 वेस्ट बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में भी इसकी क्या जी रिपोर्ट डेटा तैयार किया जाता है, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है ना, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर, तो इसमें भी इसका मैंग्रोव डेटा कलेक्ट किया जाता है हमारी कंट्री में। तो इसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन थी जी, जो आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है।